ग्वालियर में मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपना नामांकन दाखिल किया और कांग्रेस को विकास विरोधी कहा। तोमर ने कहा, मैं तो जनता का सेवक हूं, सेवा करना मेरा कार्य है। विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर ने नामांकन दाखिल किया। अपने समर्थकों के साथ प्रद्युमन नामांकन भरने पहुंचे। नामांकन भरने के बाद तोमर ने कहा, सेवक का काम सेवा करना, प्रसाद देना जनता जनार्दन का काम है। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने विकास की रफ्तार रोकी थी, अब ग्वालियर में विकास की रफ्तार तेज हुई है। सेवक सेवक का कर्म सेवा करना है, प्रसाद देना जनता जनार्दन का, और लोकतंत्र में यही एक व्यवस्था है। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह संविधान में विश्वास हमारे जो हमने काम किए हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की अगुवाई में, वो काम काम आएंगे ना। जनता कांग्रेस क्या कहती है, कांग्रेस का हर बात का जवाब देना तो ठीक नहीं है। कांग्रेस ने जब काम नहीं करने दिया, कभी तो जनता के हक में, जनता के सम्मान में ग्वालियर चंबल की माटी को, ग्वालियर चंबल की माटी को इस तरीके से कमलनाथ ने लज्जित किया था, यहाँ के हक काटा था। यह सेवक प्रद्युमन सिंह था जिसने खड़े होकर कैबिनेट में कहा था, ये सब नहीं चलेगा कमलनाथ। आज और जनता जनार्दन के सम्मान में विकास के लिए मैदान में आया, और आज देखिए कि ग्वालियर में विकास की रफ्तार तेज है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने-बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।